दोस्तों रात का टाइम है और टाइम हो रहा है, आपको दिखा देती हूँ इस टाइम। गौर से देखो, 11:18 हो चुकी हैं इस टाइम। और चाय पीने के बाद मैंने थोड़ा आराम किया चंडीगढ़ वाले फ्लैट पे, और अब मुझे लगने लगी भूख। आपको सच बताऊँ तो आप ये देख लो, रात को 12 बजने वाले हैं और मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। और रात को मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि जो मकान मालिक है वो नहीं निकलने देगा, और मकान मालिक की पूरी फैमिली है यहाँ पे। तो यहाँ पे लड़की अगर 6 बजे अगर कहीं शॉपिंग करने जा सकती है तो ठीक है, और उनका रूल है 7-8 बजे के बाद नीचे ताला लगा देते हैं, वो किसी को नहीं जाने देते। तो इसलिए मैं हो रही हूँ परेशान। अब देखती हूँ किचन में क्या पड़ा है, किचन में जो कुछ पड़ा होगा वो बना के खाऊंगी। तो आपको दिखाती हूँ अभी किचन में, देखती हूँ कि बनाने के लिए क्या है क्या नहीं। बाकी जब आई हुई थी ना मैं, तो उस टाइम केले लेके आई थी और टमाटर लेके आई थी, हरी मिर्च लेकर आई थी, बाकी का सामान पहले का पड़ा होगा। तो चलो चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या है। तो रात का जुगाड़ तो बनाना पड़ेगा कुछ खाने का, नहीं भूखे पेट सोना पड़ेगा। मतलब ये होता है देखो, मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे भूख लगती है, और घर पे रहूँगी तो मुझे भूख नहीं लगती, आप ये देखो। तो अब जैसे मैंने सफ़र किया ना लंबा सफ़र, इसलिए शायद मुझे भूख लग रही है। तो मैं देखती हूँ अब किचन में क्या है, जो भी रखा होगा तो वही बना के खाती हूँ। तो आपको मैंने अपना रूम तो दिखाई दिया था दोस्तों, ये दिखाती हूँ एक बार और। ये मेरा वॉशरूम है, मतलब सॉरी, ये हाथ धोने वाला है। यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं हाथ धोती हूँ, और ये मेरा शीशा लगा हुआ है, और ये है वॉशरूम। ये देखो, ये बाथरूम है, ये मैंने ऊपर रखती है क्योंकि नीचे अभी वाइपर मारा था ना यहाँ पे, सफाई की थी आने के बाद। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मुझे ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो घर हो, चाहे कपड़े हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, कुछ भी हो, मैं गंदगी में नहीं रह सकती एक मिनट भी। तो मैं इतनी साफ सफाई से रहती हूँ, हद से ज़्यादा मैं आपको बताऊँ। तो आने के बाद बस मैंने अभी कुछ नहीं किया, बस मुंह धोया है और कपड़े चेंज किए हैं और चाय पी है। तो मैं सोच रही हूँ कि खाना खा लेते हैं कुछ बना के। और ये दिखाती हूँ, ये मेरा देखो, ये लैटरिन है, ये देखो पास में बाथरूम है, ये लैटरिन है। तो बाकी का तो आप देख ही चुके हो। और ये जो खाली पड़ी है ना, ये मैं देखती हूँ कल सामान लेके आऊँगी, और सजाने वाला गुड्डा गुड़िया छोटे छोटे खिलौने, जो सजाने वाला सामान होता है ना, मतलब जिससे मतलब घर की डेकोरेशन कर सकते हैं हम, वो चीज़ें लेके आऊँगी जो गिफ्ट में देते हैं लोग। तो अभी तो मेरा बर्थडे निकल गया, बाकी मेरे गिफ्ट का सामान काफ़ी पड़ा हुआ है, तो वो मेरे वो वाले फ्लैट पे पड़ा हुआ है आपको तो पता है। तो चंडीगढ़ में मैंने सोचा कि यार यहाँ पे तो मैं और ही सामान खरीद के डालूंगी, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, मतलब घर सजा सजा के रखती रहूँ। और जैसे मेरी शूटिंग वाली फ्रेंड होती है ना, जैसे किसी का शूट होता है तो वो भी आके रुक जाती है यहाँ पे, तो इसलिए। तो बाकी चाबी मैं साथ में लेके नहीं जाती, चाबी हमेशा यही मकान मालिक को दे के जाती हूँ, बस यहाँ का रेंट रेंट भरती हूँ, मैं रहती भी नहीं हूँ। तो जब भी मैं आपको बता दूँ कि मेरा जब भी कोई प्रोग्राम लगता है, जैसे डांस प्रोग्राम होता है मेरा, अगर अर्जेंट में कॉल आ गया, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मैं वैसे नहीं रुकती। अब देखती हूँ अगर यहाँ पे कंटिन्यू प्रोग्राम चलेंगे 2-3 दिन तो मैं लगातार रुकूंगी, नहीं आपको पता है वापसी जाऊँगी फिर मैं। तो यहाँ का जो सीन है आपको खाली खाली दिख रहा है ना, ये मैं कल तक भर दूंगी, या तो मैं फ़ोटो ला के रखूँगी यहाँ पे अपनी, या फिर मैं कंच के गिलास हो गए, या फिर मतलब जो भी अच्छा लगेगा, मार्केट जाऊँगी मैं, जो भी अच्छा लगेगा वो चीज़ खरीद के लाऊँगी और फिर यहाँ पे सजाऊँगी। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में, किचन में अब खाना बना लेती हूँ, देखती हूँ क्या है, पहले ये देखती हूँ। ये आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में, अब बर्तन धोऊंगी मैं सुबह, क्योंकि थकावट बहुत हो रही है आज मुझे। मेरे चाय के बर्तन है जो अभी चाय बना के पी थी मैंने,
ये चावल बना लेती हूँ मैं थोड़े से, क्योंकि चावल पड़े हुए हैं ये देखो, तो थोड़े से चावल बना लेती हूँ अपने लिए। चावल खाने के बाद थोड़ा आराम आ जाएगा पेट को, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, और बाहर की चीज़ें मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, सफ़र करती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं खाती, बस ठंडा ठंडा पीती हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और कुछ नहीं। और नमकीन चावल बना लेती हूँ, है ना, प्याज हरी मिर्ची काट के, और एक आलू, प्याज तो पड़ी है ये देखो, प्याज है, आलू भी लेके रखे थे मैंने, यहाँ पे चूहा तो है नहीं है, फिर आलू कहाँ। प्याज तो मिल गई लेकिन आलू नहीं मिले, तो मैं नमकीन चावल बनाना करती हूँ कैंसल, और मैं बना लेती हूँ सिंपल चावल। ये देखो मैंने बाकी बनने रख दी है अपने लिए एक छोटी कटोरी, जो ये वाली कटोरी है ना, मेरे लिए बहुत हो जाएगा, तो सिंपल चावल बना रही हूँ मैं वाइट वाले, और उनको कैसे खाऊंगी वो भी मैं बता देती हूँ। मैं अभी काटूंगी प्याज हरी मिर्ची और टमाटर, तो हरी मिर्च और टमाटर की चटनी बना के फिर उसके साथ खाऊंगी, क्योंकि मुझे ना टमाटर की चटनी बहुत पसंद है, और मैं खास करके, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया होगा कि मैं टमाटर की चटनी से रोटी ज़्यादा खा जाती हूँ, तो रोटी तो अब मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है इसलिए, तो अब मैं चावल बनाऊँगी और चावल के साथ चटनी से खाऊंगी, और मतलब अभी बना लेती हूँ फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखो दोस्तों, प्याज और हरी मिर्ची मैं तेल में भूंज रही हूँ इस टाइम, और चावल बन चुके हैं, एक बार देख लेती हूँ। ये देखो चावल बन चुके हैं, चावल की गैस बंद करके, और ये मैंने टमाटर काटे हैं, अब इसमें ना मसाला डाल दो बस, उसका मसाला दिखाती हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा डालना है, आप मेरे से सीख लो कि टमाटर की चटनी कैसे बनाते हैं, तो मतलब आप इमरजेंसी अगर आपको भूख लग रही हो और खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो जल्दबाजी का खाना जो बनाना है ना, और इतना टेस्टी और खाने में भी स्वाद आएगा, तो आप टमाटर की चटनी ज़रूर बनाएं। तो अभी आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी इसमें हरी मिर्ची डालती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कि टमाटर की चटनी जल्दी कैसे बनती है। ये हरी मिर्ची और प्याज में तड़का लगा दिया मैंने, ठीक है, उसके बाद जो रेड मिर्ची है, अगर आप कम खाते हो तो कम डालना, अगर ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल देना, तो मैं तो खाती हूँ सच बताऊँ बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची खाती हूँ, तो मैंने डाल ली अपनी एक चम्मच भर के। उसके बाद डालना है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा, हल्दी ज़्यादा नहीं डालना, हल्दी सिर्फ थोड़ी सी डालनी है नाम के लिए, इससे क्या है कि थोड़ा सा कलर आ जाता है। और ये है अपना सूखा धनिया, ये भी ज़्यादा नहीं थोड़ा ही डालना, और नमक, और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ये तो हो गया मसाला सूखा, अब इसमें डाल दो थोड़ा सा पानी, ये बन गया मसाले का घोल, अब इसमें डाल दो, इसको अच्छे से फ्राई कर लो, ये मसाले को ना अच्छे से भून के आपको दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखो ये मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, उसके बाद आपको डालना है टमाटर कटे हुए, ये टमाटर को भी मतलब जब तक ऐसे करना है जब तक ये बिल्कुल वो ना हो जाए, इसमें अच्छे से मिल ना जाए प्याज के साथ, एकदम फ्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद जैसे कड़क कड़क से मुलायम हो जाते हैं जब अच्छे लगते हैं, तो अभी ये कच्चे हैं
अभी इनको पकने के बाद, तो आप ये देख लीजिएगा, पकने के बाद ये चटनी बन जाएगी। अब मेरे चावल बन चुके हैं, बस चटनी में 2 सेकंड या 2 मिनट रह रही है, उसके बाद चटनी बनने के बाद फिर मैं रूम में लेके जाऊंगी। तो दोस्तों आ चुकी हूँ मैं अब अपने रूम में, किचन में से ये लेके आई हूँ मैं अपना खाना। ये देखो ये मेरी टमाटर की चटनी, ज़्यादा ही भूंज दी मैंने तो। ये मेरे चावल, चावल भी दोस्तों मेरे से ज़्यादा बन गए। वो कैसे बन गए, क्योंकि मैंने ना पहले डाले 1 कटोरी चावल, फिर मैंने 1 कटोरी और डाल दिए क्योंकि मैं भूल गई कि मैं अकेली हूँ खाने वाली। मैंने 2 जने का खाना बना दिया, और वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे बना दिया। क्योंकि ये चंडीगढ़ वाले फ्लैट पे मेरी फ्रेंड रहती थी, ठीक है, हम दोनों ही इकट्ठे रहते हैं, मतलब जब भी हमारा कोई डांस प्रोग्राम आता है ना तो हम दोनों इकट्ठे ही जाते हैं यहाँ से। तो वो चली गई अपने घर आज, मैंने उसको कॉल किया, वो कल आएगी शायद। तो मतलब चाबी तो रहती है मकान मालिक के पास, हम साथ में लेके नहीं जाते हैं। जब भी अगर वो आती है तो वो रह लेती है, मैं आती हूँ तो मैं रह लेती हूँ। तो मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये फ्लैट में हम दोनों का ही है, मतलब जो मेरी फ्रेंड है ना उसका भी है, नहीं कल वो नाराज हो जाए, बोलेगी कि मेरा नाम तो लिया ही नहीं क्योंकि इसका आधा रेंट मेरी फ्रेंड भरती है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि जब उसका प्रोग्राम लगता है तो वो आके रह लेती है, अगर मेरा प्रोग्राम लगता है तो मैं आके रह लेती हूँ। आपको एक रीजन बताती हूँ, जो आपने कमेंट में बोला था ना कि आपने इतने फ्लैट क्यों ले रखे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि बात क्या है। बात ये है कि मेरा है डांस का काम, जैसे स्टेज प्रोग्राम होते हैं वो, ठीक है, मैं डांस प्रोग्राम करती हूँ। अगर मैं नहीं करती तो मैं लड़कियों को मतलब भेजती हूँ वहाँ पे, मेरे पास अर्जेंट में कॉल आता है तो मैं ग्रुप चलाती हूँ, 5 लड़कियों का ग्रुप चलता है डांस का, ठीक है, जो पंजाबी डांस होता है वो कराती हूँ मैं, ठीक है। और अभी से नहीं, मेरे को मतलब कितने साल हो गए आप ये देखो, 2016 से मैं डांस ग्रुप चला रही हूँ, ठीक है। और मेरा यहाँ नहीं, मतलब हर जगह मेरा नाम है, पंजाब चंडीगढ़ मतलब टोहाना रतिया, हर बंदा मुझे जानता है वहां का। आप देखोगे मेरे बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं वहां पे, तो पंजाब साइड के हर बंदा मेरे को जानता है क्योंकि मैंने डांस ग्रुप चला रखा है वहां पे, ठीक है। और अभी भी चला रही हूँ, क्योंकि अभी मैं डांस प्रोग्राम नहीं कर रही हूँ तो मैं लड़कियों को भेज देती हूँ। अब आपको ये बताती हूँ कि रीजन क्या है फ्लैट लेने का। फ्लैट लेने का रीजन ये है दोस्तों कि मैं किसी के घर नहीं रुकती जाके, ठीक है। अगर दूसरी बात, मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। अगर कोई मुझे डांस प्रोग्राम पे बुलाता भी है और रात को अगर मैं लेट हो भी जाती हूँ, वैसे तो मैं दिन के प्रोग्राम करती हूँ, जैसे पंजाब में और चंडीगढ़ में आपको बता दूं दिन में शादी होती है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो बंदा मेरे पास कॉल करता है, ठीक है, जो मैंने अपना नंबर डाल रखा है तो ओनली सिर्फ उसके लिए डाल रखा है कि डांस प्रोग्राम के लिए कॉल करे, मतलब शूटिंग के लिए कॉल करे। मतलब मेरा काम ऐसा है, डांसर हूँ, मॉडल हूँ, एक्ट्रेस हूँ, डायरेक्टर हूँ मैं, ठीक है। मतलब लड़का लड़कियों को काम देती हूँ मैं, ठीक है, मॉडलिंग का काम सिखाती हूँ, और जो लड़कियाँ मतलब नई हैं इस लाइन में, जो डांस नहीं करना चाहती, उनको डांस सिखाती हूँ मैं, ठीक है। अगर वो लड़की अपने पैरों पर खड़ी होके डांस, एक बात बताइए, डांस एक ऐसी चीज है कि मतलब उसमें बंदा इतना पैसा कमा सकता है, हद से ज्यादा, मैं आपको बताऊं, ठीक है। एक लड़की एक डांस में मतलब एक दिन में 5 से लेके 10,000-20,000 तक कमा लेती है, वो भी मैं आपको बताऊं कैसे। अगर कोई लड़की बढ़िया सा डांस कर दे पंजाब में और पंजाबी सॉन्ग पर, तो पंजाबी बंदे है कि ऐसे हैं जो पंजाब के बहुत अच्छे बंदे, मैं आपको बताऊं, मतलब मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत तारीफ करती हूँ पंजाब के बंदों के, वो इतने अच्छे बंदे हैं। वो पता है क्या करते हैं, उस लड़की के ऊपर 50,000 से ऊपर इनाम उड़ा देते हैं, 1,00,000 तक का, 1,00,000 रुपए। मतलब जैसे लड़की डांस कर रही है ना, जो हमारी टीम है, बाउंसर लोग हैं, वो खड़े रहते हैं, तो उनको पैसे दे देंगे, बोलेंगे हमारी तरफ से मैडम को इनाम दे देना। तो आप बताओ उसमें कितनी कमाई होगी, अगर एक लड़की के ऊपर 50,000 रुपए इनाम आ गया तो हम आधा बजट उस लड़की को देते हैं, हमारा ये काम है, ठीक है। जो आप बोल रहे थे ना कि मतलब आप क्या काम करते हो ऐसा, और कुछ लोगों की गलत कमेंट भी आई है, तो उनको भी मैं जवाब दूंगी पर नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा लेती हूँ। तो ये रीजन है मेरा फ्लैट लेने का, ठीक है। अगर मेरा पंजाब में प्रोग्राम लगता है तो मैं पंजाब में जाके रहती हूँ, अगर मेरा राजस्थान में प्रोग्राम लगता है तो मैं राजस्थान में जाके रहती हूँ, अगर हरियाणा में लगता है तो मैं हरियाणा में जाके रहती हूँ। तो दोस्तों जहाँ से भी मेरा प्रोग्राम आता है मैं वहीं पर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी अभी से नहीं, मेरी कम से कम 2012 से ये लाइन है, शूटिंग लाइन,
और डांस प्रोग्राम, तो आपको बता दूं मेरी रोजी रोटी यही है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे काम को गलत कमेंट ना करें, ठीक है, मेरे काम की इज्जत करें, ठीक है। जो भी मेरे को गलत कमेंट कर रहा है उनको मैं मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आपको मतलब समझा रही हूँ अभी। तो ठीक है दोस्तों, अब तक की वीडियो मैं यहीं पर दी एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। ओके, गुड नाइट।